मंडी जिला का 19वां जनमंच 2 फरवरी को सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरोवा में होगा। सरोवा की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में होने वाले इस जनमंच की अध्यक्षता वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे। मंडी जिला का 19वां जनमंच 2 फरवरी को सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरोहा में होगा। सरोहा की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में होने वाले इस जनमंच की अध्यक्षता वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर करेंगे। कार्यक्रम 2 फरवरी 10 बजे से शुरू होगा। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने ये जानकारी DRD सभागार में जनमंच की तैयारियों को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान दी। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जनमंच में स्थानीय पंचायत सरोहा समेत क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। इनमें 13 पंचायतें गोहर और 4 पाली चौकी ब्लॉक की हैं। इनमें सरोहा के अलावा 7 लगती अन्य ग्राम पंचायतों में तांदी, बाड़ा, परबाड़ा, थारजून, खारसी, मुस्त्राणी, कोटला, खनोला, सरन, कांडा, बगसेड़, कसौड़ और नलवागी शामिल हैं। उपायुक्त ने सभी विभाग के अधिकारियों को पी जनमंच अवधि में संबंधित पंचायतों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की समाधान का प्रयास करें। इसके अलावा संबंधित पंचायतों में विभागों के कार्यों का निरीक्षण करें। पंचायतों में स्वच्छता अभियान व स्वच्छता शिविर लगाएं। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में जनमंच में आकर कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही आग्रह किया कि लोग प्री जनमंच अवधि में विभागों को अपनी समस्याएं सौंपें ताकि जनमंच वाले दिन उन पर चर्चा व समाधान किया जा सके। ऋग्वेद ठाकुर ने अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ लोगों को पहुँचाने के लिए साथ ही प्रमुख योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने पर जोर देने को कहा। उन्होंने संबंधित क्षेत्र में गृहिणी सुविधा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जनधन योजना, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण, डिजिटल राशन कार्ड और बेटी है अनमोल योजना का 100% लाभ पहुंचाने के अलावा घरों में शौचालय निर्माण एवं उनका इस्तेमाल तय करवाने तथा आवश्यकता अनुरूप सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से जुड़े कार्यों पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में हिम केयर योजना के तहत पंजीकरण के लिए विशेष काउंटर लगाया जाएगा। इसके अलावा जनमंच में अपंगता प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा भी मौके पर मिलेगी। इस दौरान आय, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का सत्यापन, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि, स्वास्थ्य जांच सुविधा, डिजिटल राशन कार्ड मौके पर बनाए जाएंगे। साथ ही लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों के निपटारे किए जाएंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए भी स्टॉल लगाए जाएंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, SDM गोहर अनिल भारद्वाज, SDM थुनाग सुरेंद्र मोहन, DSP मुख्यालय करण गुलेरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 19वां जनमंच सिराज विधानसभा क्षेत्र में मनाया जाएगा। इसकी तारीख जो है सरकार द्वारा 2 फरवरी की निर्धारित हुई है और ये जनमंच ग्राम पंचायत सरोवा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोवा में मनाया जाएगा। इसको लेकर आज 20 तारीख यहाँ पर 21 तारीख को बैठक हुई है जिसमें मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि प्री जनमंच की जो एक्टिविटी है, जनमंच के पहले हम हर पंचायत में कैंप लगाते हैं, लोगों को स्कीम्स के बारे में बताते हैं और लोगों से जो शिकायत है वहाँ पर ड्रॉप करते हैं। इसको गंभीरता से लिया जाए और हर व्यक्ति को जो इस कैचमेंट पंचायत में पड़ेगा, जिसमें कि हमारी 17 पंचायतें आएंगी, उन सबको पता हो कि उनकी यहाँ पर 2 फरवरी को जनमंच मनाया जा रहा है ताकि वो अपनी शिकायत दे सके और 2 फरवरी तक उनका निपटारा भी वो उसका हो सके और लोगों को जो अपनी समाधान का निवारण मिल सके। तो इस दृष्टि से आज मीटिंग की गई और हर व्यक्ति को जो इस कैचमेंट पंचायत में पड़ेगा, जिसमें कि हमारी 17 पंचायतें आएंगी, उन सबको पता हो कि उनके यहाँ पर 2 फरवरी को जनमंच मनाया जा रहा है ताकि वो अपनी शिकायत दे सके और 2 फरवरी तक उनका निपटारा भी वो उसका हो सके और लोगों को जो अपनी समाधान का निवारण मिल सके। तो इस दृष्टि से आज मीटिंग की गई थी और सभी को जो SDMs कंसर्न है उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो 2 फरवरी की जनमंच की तैयारी करेंगे और जो आवश्यक सरकार के द्वारा जनमंच को लेकर दिशा निर्देश है उसकी अनुपालन करेंगे।